स्टूडेंट टू गुंडू क्लासेस। आज हम इस क्लास के अंदर क्लास 10 का चैप्टर 7 इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे। मैं आपको कार्टेशियन प्लेन के बारे में बता देती हूँ। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है। दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस एंड दिस इज कॉल्ड ओरिजिन 0 0 ऑरिजिन। तो आपको पता ही है इसके अंदर ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं जो कि आपने 9th में किया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोथ पॉइंट्स आर पॉजिटिव, दोनों प्लस के होते हैं। अब अगर ऐसे भी देख लें, ये प्लस का एक्स है, प्लस का वाई है, जो पॉइंट आएगा वो प्लस, दोनों प्लस के क्वाड्रेंट्स होंगे। और ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसके अंदर एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव आएगा वाई पॉजिटिव आएगा। और जो थर्ड क्वाड्रेंट है इसके अंदर बोथ आर नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव होंगे। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसके अंदर प्लस का एक्स और माइनस का वाई होगा। तो ये आप सबने 9th क्लास में किया हुआ है, ठीक है। अगर मैंने पॉइंट नोट करना है 2, 3 एंड दिस इज 2 इज कॉल्ड एब्सिसा यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट एंड दिस इज वाई कोऑर्डिनेट इज आल्सो कॉल्ड ऑर्डिनेट, ठीक है। तो अगर हम इसमें प्लॉट करें तो देखिए 1, सबको प्लॉट करना आता है ना, 1 2 3 4 इधर -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। हमें कौन सा पॉइंट प्लॉट करना है? 2 3। तो x का 2 y का 3, देखो x 2 ये है और y 3 ये है। तो हमने प्लॉट किया x 2 कहां तक लेकर जाएंगे, y 3 तक। तो ये जो पॉइंट हो गया हमारा 2, 3 हो गया। चलो एक और पॉइंट ले लेते हैं, -2 -3 यानी कि एक्स भी 2, एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। एक्स का -2 ये रहा और वाई का -3 ये रहा। अब यहां तक ले आओ दोनों के सामने, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, एक्स का -2 और माइनस वाई का -3। तो सबको प्लॉट करना आ गया। तो ये तो थे हमारे प्रीवियस क्लासेस की जो हम प्लॉट करते थे। अब हम अपने 10th क्लास का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इसमें पहला जो फॉर्मूला है वो आपका क्या आता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, मान लो ये 2 पॉइंट ले लिए ए और बी, ये 2 पॉइंट्स है, इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हमने इसका x1 y1 पॉइंट ले लिया और इसका x2 y2 पॉइंट ले लिया। तो जो इसका डिस्टेंस है AB, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बड़ा सिंपल सा है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कर दो, फिर प्लस का साइन, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर यही डिस्टेंस, अगर हम अपने कार्टेशियन प्लेन में ओरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस लेते हैं, तो ये जो ओरिजिन है ये यानी कि 0 0 पॉइंट, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, देखो इसको ओ, इसको ए ले लो, तो ओ ए डिस्टेंस हो गया। ये हमारा कितना हो गया, x-0 का होल स्क्वायर y-0 का होल स्क्वायर मींस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है सबको, दिस इज ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमारा आता है वो हमारा आता है सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला जो है वो भी 2 पॉइंट्स के बीच में ही लेते हैं हम। रेशो में लेते हैं, ये 2 पॉइंट्स ले लिए हमने, x1 y1 और x2 y2। इसको बिल्कुल भी लर्न करने की वो जरूरत नहीं है, जैसे मैं आपको बताती हूँ आप उसी तरह से इसको करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला लर्न करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने ये पॉइंट निकालना है PXY, m1 m2 रेशो में है ये पॉइंट। तो देखो कैसे निकालेंगे, ये x क्या बोला था हमने, x को एब्सिसा कैसे निकालते हैं, m1 को x2 से मल्टीप्लाई करो, m1 x2 प्लस m2 को x1 से मल्टीप्लाई करो,
डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम m1 प्लस m2। बड़ा इजी था ना। इधर फर्स्ट वाली रेशियो को उधर फर्स्ट से, यानी कि x निकाल रहे हैं ना, तो इसके फर्स्ट पॉइंट से m1 को x2 से मल्टीप्लाई करो, m2 को x1 से, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक उसी तरह से हम y निकालेंगे, सबको इजी लग रहा होगा, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। यही सेक्शन फॉर्मूला। अगर हमें रेशियो निकालनी है, मतलब हमें पॉइंट गिवन है और हमें रेशियो निकालनी है, तो हम इसी को k रेशियो वन में से निकालते हैं। बड़ा इजी पड़ता है, वही सेम x1 y1 x2 y2 pxy। इस केस में आपको फर्स्ट पॉइंट भी दे रखा होता है, बी भी, यानी ए भी दे रखा होता है, बी भी दे रखा होता है और पी भी। आपको क्या निकालनी होती है, रेशियो निकालनी होती है। तो किस रेशियो में निकालोगे, के रेशियो वन में। तो एक्स ठीक उसी तरह से के इंटू एक्स टू प्लस वन इंटू एक्स वन डिवाइडेड बाई के प्लस वन, और वाई के इंटू वाई टू प्लस वाई वन डिवाइडेड बाई के प्लस वन। अब आते हैं मिड पॉइंट। मिड पॉइंट अब मिड पॉइंट मतलब मिड पॉइंट दोनों रेशियो सेम हो जाती हैं। डायरेक्ट आप लर्न कर सकते हैं x1 प्लस x2 by 2, y1 प्लस y2 by 2। तो फर्स्ट हमने किया डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर हमने किया सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले में भी हमने दो पार्ट किए, एक के रेशियो वन निकालना और एक m1 और m2 रेशियो निकालना, एक मिड पॉइंट। तो नेक्स्ट टॉपिक है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तीन पॉइंट ले लीजिए, जैसे ट्राइंगल बोला है तो ये तीन पॉइंट हो गए, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल देखो कैसे निकालोगे, बड़ा सिंपल सा है। 1 by 2 लिखो, x1 लिखो, x1 लिखा, ये x1 लिख लिया तो ये टू पॉइंट्स लेंगे, y2 माइनस y3। अब x1 से शुरू किया था ना, तो नेक्स्ट सेक्शन x1 के बाद क्या आता है, x2। तो y2 के बाद क्या आता है, y3, और 3 के बाद फिर से y प्लस फिर x3, 3 के बाद 1 आएगा, y1 और माइनस y2। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, 1 by 2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ये आपके इतने फॉर्मूलास 10th क्लास में यूज होते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अब हम डिस्टेंस फॉर्मूले के क्वेश्चंस करते हैं। मान लो आपके पास पॉइंट है 2.3 और 4.1, आपने इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना है, तो आपका जो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका क्या है, x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो देखो निकालो, x2 यानी कि 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब 4 में से 2 गए, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर भी प्लस 4 होगा, दैट इज 8। आपको इतना भी छोड़ सकते हैं और इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, 8 के फैक्टर्स बनाओ, 2 2 into 2, ये तो पेयर में है, बाहर निकल आएगा 2√2 यूनिट्स। सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। पॉइंट क्या गिवन है हमें, हमें पॉइंट गिवन है -1.7 और सेकंड पॉइंट जो हमें है वो गिवन है 4.-3। किस रेशियो में बांटना है, 2:3 में बांटना है। हमें पी एक्स वाई फाइंड आउट करना है जो किस रेशियो में है, 2:3 में। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इस तरह से फॉर्मूला लर्न करेंगे, हम पी एक्स वाई भी उसी तरह से निकालेंगे। देखिए कैसे, हमें एक्स फाइंड आउट करना है, एक्स हमारा फर्स्ट नंबर है तो यहाँ पर ये फर्स्ट यूज करेंगे, तो 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, 2 × 4 प्लस 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से, 3 × -1 डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम, 2 प्लस
ठीक है, निकालते हैं 8 - 3 / 5, 5 / 5 दैट इज 1। अब हम y निकालेंगे ठीक उसी तरह से, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 से, 2 × -3, फिर हम 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से, प्लस 3 × 7 / 2 + 3, ये आ गया -6 + 21/5 दैट इज 15/5, 3। तो जो हमारा PXY जो हमें पॉइंट फाइंड आउट करना था तो वो क्या आया, 1, 3। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर, ये हमें उसकी वर्टिसेस गिवन है ट्राइंगल की और हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्मूला क्या है, 1/2 (x1, y2 - y3) + x2, y3 - y1 + x3, यहाँ पर क्या आ जाएगा, y1 - y2। तो ये हमारा पॉइंट क्या है, x1 ये y1, ये x2 y2 और ये x3 y3। तो इसमें पॉइंट पुट कर देते हैं, 1/2, x1 हमारा है -5, y2 - y3, y2 हमारा है -5 और y3 है 2, दैट इज -2 हो जाएगा, +3, y3 - y1, y3 है 2, y1 है -1, -1 +1 हो जाएगा ये यहाँ पर, प्लस x3 है 5, y1 है -1 और y2 है -5, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस का फाइव। तो 1/2 कैलकुलेट करके क्या आएगा, -5 - 7, 3, ये 3 आ जाएगा, 5 ये 4 आ गया, 1/2 (35 + 9 + 20). अब हम इसको ऐड करेंगे, 35 में 9 ऐड करो, 44 + 20, तो ये कितना आ गया, 64 आ गया, दैट इज 32, कट करने के बाद 32 स्क्वायर यूनिट्स आ गया आपका ये। क्लियर है सबको? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइए। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देंगे, जिसके लिए आपको इसके बेल आइकन के बटन को जरूर दबाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।